ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है हृदय विशाल रखे। हजरत मोहम्मद का नाम हम सबने सुना है। उनके बहुत सारे विरोधी थे और बहुत प्रकार से उनको हैरान भी करते थे, परंतु हजरत मोहम्मद कोई की भी परवाह न करके अपने धर्म का प्रचार करते रहते थे। एक बार की बात है कि वो अपने घर लौट रहे थे तो एक विरोधी ने उनके सिर पर कूड़ा किचड़ा आकर के डाल दिया। फिर भी हजरत मोहम्मद ने कुछ भी नहीं कहा, अपने को ठीक ठाक करके आगे बढ़ गए। इसी प्रकार प्रतिदिन जब हजरत मोहम्मद वहां से गुजरते थे तो विरोधी रोज उनके ऊपर कूड़ा किचरा डाल देता था। एक बार जब वो लौट रहे थे तो वो व्यक्ति था ही नहीं वहां पर, तो उस व्यक्ति को न देखते हुए मोहम्मद को विचार आया कि आज वो भाई किधर गया जो मेरे ऊपर रोज किचरा डालता था। तो उसने पड़ोसी को जाकर के पूछा। पड़ोसी ने बताया कि वो भाई आज बहुत बीमार हैं और अपने घर पर ही हैं। तब मोहम्मद जी स्वयं उसके घर पर गए, उनके तबीयत के विषय में पूछा और उनको दवाई दिया और उनको सेवा करके उनको ठीक ठाक किया। ये देखकर विरोधी इतना शर्मिंदा हो गया, पांव पकड़कर क्षमा मांगने लगा। मोहम्मद जी ने अपने बड़े हृदय से उनको क्षमा कर दिया। पर हमें ये सीख मिलती है कि जैसे परमात्मा को कहते हैं ना कि वो क्षमा के सागर है, अब हम सभी भी परमात्मा के बच्चे हैं तो हमें भी मास्टर क्षमा का सागर बनना है। तभी हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हैं और उनकी बुरी आदतों को भी निकालने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ओम शांति।